ये जो फेथ है, ये पहले मुझे लगता था कि पंडितों, मौलवियों और जो प्रीस्ट होते हैं, ये उनकी बात है। जो साधु संत पुजारी महात्मा लोग होते हैं ना, ये उनकी बात है, उनकी बात करने के लिए जरूरी होता है। ये मेरे आम आदमी के, जिसके पास जीवन की असाधारण जीवन है, मान लीजिए नौकरी करनी है, आगे जीवन में जाना है, ये फेथ वगैरह जो है ना, ये बातों की बातें हैं बस। तो मैं ए में आया और मैंने आम लोगों को जब फेथ के बारे में बात करते हुए देखा, जो लोग आम लोग थे, मेरे जैसे भाई थे, मेरी जैसी समस्याओं से निकले हुए थे, और जब वो लोग फेथ की बात कर रहे थे, तो मुझे पहली बार लगा कि ये फेथ ना, ये पंडित मौलवियों और पुजारियों की बात नहीं है, ये फेथ मेरे जैसे आदमी की बात है। तो मैं, क्योंकि मुझे सत्यन भाई ने बताया कि यहाँ पे अधिकतर जो मेंबर हैं नए मेंबर हैं, तो मैं उसी संदर्भ में बात करूंगा कि भाई फेथ है क्या, ये जो विश्वास करना होता है ये है क्या, और क्या मैं विश्वास करता हूँ, और मतलब इससे मेरा फायदा क्या होगा। अगर मान लीजिए कि मैं किसी चीज पे फेथ करता हूं, तो उसका मोटे मोटे रूप में फायदा क्या होगा। तो अब जब मैं छोटा था, हर किसी भी बच्चे को देखो, वो जब चलना सीखता है तो वो अपना कदम आगे रखता है, और वो कदम जब आगे रखता है तो उसे जमीन पे विश्वास होता है कि जमीन हिल तो नहीं जाएगी क्या, अन्यथा तो वो कदम ही नहीं रखेगा आगे। जब छोटे से बच्चे को पिता हवा में उछालता है, तो उसको पूरा भरोसा होता है कि जो बाप है कैच कर लेगा हवा में ही, वरना तो जैसे ही आप उछालोगे वो रोने लगेगा। और जिन बच्चों को विश्वास नहीं होता कि उन्हें वापस पिता जो है हवा में कैच कर लेगा, जिनको फियर होता है कि गिर जाएंगे, वो रोने लगते हैं, वो अपने हाथ पैर छोड़ देते हैं। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं भी एक छोटा बच्चा ही हूं, चाहे बॉडी थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन मैं छोटा बच्चा ही हूं। तो कुछ चीजों पे मुझे भरोसा है और कुछ चीजों पे मुझे भरोसा नहीं है। तो जिन चीजों पे मुझे भरोसा है, जैसे चलने पे, मैं खड़ा होकर चलता हूं, लेकिन जिस व्यक्ति को चलने पे भरोसा ना हो कि जमीन खिसक तो नहीं जाएगी पैर के नीचे से, उसे चलने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। चलना एक बहुत साधारण सी चीज है, और क्योंकि जीवन में जो भी कुछ है ना, वो साधारण नहीं है। मैटर केवल इतना है कि मेरा फेथ है या नहीं। अब बहुत से लोग होते हैं, जीवन में आते हैं, ऑफिस के अंदर आते हैं, ऑफिस को ज्वाइन करते हैं, ऑफिस में अच्छी प्रोग्रेस करते हैं, है ना, उन्हें किसी और चीज पे भरोसा होता है। और एक दूसरा आदमी ऑफिस के अंदर आता है, उसे लगता है कि ऑफिस के जो सारे लोग हैं वो उसका खून चूसना चाहते हैं, उसे इस बात पे शक होता है कि ऑफिस के लोगों की कोई ऐसी इंटेंशन है कि अगला आदमी प्रोग्रेस करे, उसे मतलब उसका शक होता है 24 घंटे, उसमें अंदर फियर्स होते हैं। तो जिसके अंदर फियर्स होते हैं वो ऑफिस के अंदर प्रोग्रेस नहीं कर पाता। तो कभी कभी लगता है ना, भाई फलाना आदमी तो नौकरी पे इतनी तरक्की पा गया, मैं नहीं पा पाया, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। सारा मैटर फेथ का है। अगर मेरा फेथ आ जाए, ऑफिस, जो भी ऑफिस के लोग हैं, ऑफिस के संस्थान हैं, ऑफिस की पॉलिसी है, जो बिजनेस है, जो भी है, अगर मेरा फेथ आ गया तो मेरी प्रोग्रेस को कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अपना कदम रखता है, तो उसे भरोसा होता है कि जमीन खिसक तो नहीं जाएगी। और बात छोटे बच्चे की नहीं है, अगर मुझसे भी ये कहा जाए कि भैया रोड पे घूमना है जरा, ये इस पार्क के अंदर घूमना है, तो मैं आसानी से घूमूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, पार्क में घूमना तो बहुत आसान काम है। पर यदि कोई मुझे ये कह दे कि अब इस पार्क के अंदर एक लैंडमाइन लगी हुई है, अब इस पार्क के अंदर एक बम छिपा हुआ है, अब इस पार्क के अंदर कुछ ऐसा है कि जो तुझे मार सकता है, इस पार्क के अंदर कुछ गड्ढे हैं, ट्रैप बना रखे हैं, जैसे हाथी को गिराने के लिए ट्रैप बनाते हैं ना, तो घास के नीचे गड्ढा है, जैसे पैर रखेगा तेरा पैर नीचे चला जाएगा, कुछ इस तरह की बात कोई बता दे। तो जब तक ये बात नहीं पता थी, जब तक तो भरोसा था, पार्क के अंदर आसानी से घूम सकता था। अब मुझे किसी ने बता दिया कि ये जो पार्क है, पार्क में जो घास है, घास के नीचे गड्ढा है, और कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। अब मैं कैसे कदम उठाऊंगा, कैसे कदम उठाऊं, क्योंकि अगला कदम मेरी मृत्यु भी हो सकती है। तो कौन आदमी मरना चाहता है, कौन इंसान घाटे में जाना चाहता है? कोई आदमी नहीं चाहता कि उसकी सुरक्षा को खतरा हो। तो अब मैं ये कदम नहीं उठा पाऊंगा, तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है? ये जो पार्क है, ये मेरा जीवन है, जीवन में विचरण करना ही तो जीवन है ना। तो ये जो 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 मेरा जीवन है, ये भी एक पार्क की तरह है।
अब मुझे हर जगह तो खतरे बता दिए कि भैया बाहर जाओगे तो कोरोना हो जाएगा, ऑफिस के अंदर रहोगे तो कोई पॉलिटिक्स करके तुम्हें गिरा देगा, बीवी पे भरोसा करोगे तुम्हारा फायदा उठा लेगी, तुम्हें डोमिनेट कर लेगी, बच्चों के पढ़ाओगे लिखाओगे और उन्हें प्रेम करोगे तो एक दिन बिगड़ जाएंगे, है ना। तो मैं देखता हूं मेरी जितनी भी जो जीवन में जितनी भी मेरी गति है, जितने क्रियाकलाप हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी भाई फियर भी एक तरह का गलत फेथ ही होता है। अगर आपको ये भरोसा है कि कोरोना का खतरा है मुझे, तो आपको कोरोना पे फेथ है कि कोरोना एक दिन तुम्हें निपटा देगा। और अगर ये भरोसा है कि भाई कोरोना वोरोना से मैं सुरक्षित हूं और मेरे अंदर खुद के अंदर हीलिंग है, तो फिर आपको ये भरोसा है कि आपका अपने स्वास्थ्य के ऊपर, अपने जीवन के ऊपर फेथ है। तो फेथ एक ऐसी चीज है कि इंसान करता ही है। अब जो आदमी आगे पैर इसलिए नहीं रख रहा कि उसे पूरा भरोसा है कि नीचे लैंडमाइन बिछी हुई है, बम बिछा हुआ है, ये नीचे कोई और खतरा है, उसे इस बात पे फेथ है, मौत पे फेथ है, मतलब कि मौत आ जाएगी, ये जो जमीन है ये अपने आप में खतरनाक है, उसे उसके खतरे पे फेथ है। और जिस आदमी को भरोसा है कि भैया उसका कुछ नहीं होगा, सब कुछ आसानी से चला के निकाल जाएगा वो, तो उस आदमी को जीवन पे भरोसा है, उसे अपनी सुरक्षा पे भरोसा है, अपने ईश्वर पे भरोसा है या किसी भी चीज पे भरोसा है। तो बस सारी की सारी बात यहाँ पे उठ के आ जाती है, आदमी वहीं तक जाता है जहां तक का उसमें फेथ होता है। कोई भी व्यक्ति जीवन में किसी भी दिशा में, मैं केवल आपके धंधे की, पेशे की, ए की, यहाँ तक कि रिलेशनशिप में भी आदमी वही पा सकता है जितना उसके अंदर फेथ हो। होता है ना दिल्ली की मार्केट्स के अंदर, दिल्ली में क्या है, लोग चतुर बहुत होते हैं, तो दिल्ली की मार्केट के अंदर ना जैसे ज्यादा जल्दी कुछ मार्केट्स ऐसी हैं वहां पे आप चीज लेते हुए भी घबराओगे कहीं चीज गलत ना निकल जाए। क्यों? क्योंकि फेथ नहीं है। तो जहां पे ये भरोसा है कि जो चीज मैं ले रहा हूं वो नकली चीज भी हो सकती है, जहां पे इस तरह का भरोसा है, खतरा है, तो वहां पे लोग बड़े ट्रांजैक्शन नहीं करते, कोई 50-60 हजार की चीज नहीं लेने वाला। जब आपको 50-60 हजार की चीज लेनी होती है तो आप किसी ऑथेंटिक शोरूम पे जाते हैं, किसी कंपनी के शोरूम पे जाते हैं जिसका पूरा भरोसा होता है, फिर आपको घर के पिछवाड़े नहीं खरीदते उस चीज को। उसका कारण ये है कि आपका स्टेप उतना ही बड़ा होगा जितना बड़ा फेथ है। और जहां पे फिर दिल्ली के बाजारों की जो बात है, वहां पे भाई, क्योंकि दिल्ली के हर एक बाजार के बारे में बात नहीं कर रहा, कुछ बाजार ऐसे हैं तो वहां पे होती चोर बाजारी है, वहां पे होते चतुर लोग हैं, अति चतुर लोग होते हैं। तो वहां जहाँ लोग बहुत ज्यादा अति चतुर हैं, तो वहां पे 50 रुपए का, 500 रुपए का ही दाव लगा सकते हैं, बस उतना ही भरोसा है, तो इसलिए उतना बड़ा ट्रांजेक्शन करते हैं। और जहां पे आपको ज्यादा भरोसा है वहां पे बड़ा ट्रांजेक्शन कर लेते हैं। तो जीवन में फेथ तो मुझे चाहिए ही चाहिए चलने के लिए, बिना फेथ के तो मेरे कदम भी नहीं उठेंगे। मतलब जीवन जीना ही फेथ है, फेथ को एक्सपीरियंस करना है। अब बात आती है जब मैं प्रोग्राम में आ चुका हूं, ये तो प्रोग्राम की बात है ना भाई, ये प्रोग्राम जो है जीवन का प्रोग्राम है, शराब छोड़ना तो इसका एक हिस्सा है, पहला वाला स्टेप है बस, उससे ज्यादा शराब के चारों तरफ घूमने वाला प्रोग्राम नहीं है ये प्रोग्राम जिंदगी के चारों तरफ घूमने वाला प्रोग्राम है। ये कॉन्शियस कॉन्टैक्ट विद गॉड, भगवान के साथ मेरे को, मेरे ईश्वर से जो जो मुलाकात होनी है, उसके चारों तरफ घूमने वाला प्रोग्राम है ये। मुझको मतलब मान के चलिए कि आप सोना है, अब सोने पे लग गया है जंग, किसी भी कारण लग गया है, आपने जीवन में जो आसपास देखा, जो सीखा, जो इंटरप्रेट किया, उसके कारण जो भी है, सोने पे लग गया जंग। अब दो बातें हैं, बहुत से आदमी आते हैं ना यहाँ पे, कहते हैं मैं तो बे गया, बिछड़ा, बेचारा, बिल्कुल घटिया आदमी हूँ, तो मैं भी यही सोचता था यार, लेकिन तो सोने पे लग गया जंग, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सोना पीतल बन गया, इसका अर्थ ये नहीं है कि सोना पीतल बन चुका है। सोना आज भी सोना है, सोना कल भी सोना रहेगा, पर चक्कर क्या है, जब तक वो जंग हटेगा नहीं, जब तक वो गंदगी हटेगी नहीं, वो पहचान नहीं पाएगा कि मैं सोना हूं, और यही सोचता रहेगा, हे भगवान तूने मुझे कितना गंदा बनाया, हे भगवान तूने मुझे कितना कुरूप बनाया, हे भगवान तूने मुझे कैसा बनाया, भगवान से रिजेंटमेंट होती रहेगी, है ना। तो और सोने का जब जंग हट जाए तब उसे अपनी सुंदरता दिखेगी, और जब अपनी सुंदरता दिखेगी तो कहेगा क्या भगवान तूने क्या 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 बनाया मुझे, है ना। परंतु हर आदमी जो यहाँ बैठा हुआ है और दुनिया में जो भी है वो भी सोना ही है भाई, बन के तो सेम फैक्ट्री सेम मटेरियल से आए हैं ना हम लोग, है वो भी सोना ही, तो उस पर अलग तरीके का जंग है, मेरे पे अलग तरीके का जंग है, हो सकता है जंग सेम हो, लेकिन बस जंग है, ये असलियत नहीं है ना। तो ये जो स्टेप्स का प्रोग्राम है, मान लीजिए जितने भी स्टेप्स का प्रोग्राम है, ये पीतल को सोना बनाने की कोशिश नहीं है,
ये मेरे अपने विचार हैं, ये पीतल को सोना बनाने की कोशिश नहीं है, ये सोना ऑलरेडी है भैया। आपको क्या लगता है कि भगवान तो गधा है, उसने तो बना दिया पीतल, अब ये चार ए के मेंबर, चार स्टेप, बिल बॉब, इसको सोना बना देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो भगवान ने बनाया ही सोना है, और भगवान ने ही प्रोग्राम बनाया है यार, तो बनाया ही सोना है, उस पर जंग लग गया है। ए का प्रोग्राम, ए के जो मेरे बंधु हैं, भाई हैं, मेरे स्पॉन्सर या ओल्ड टाइमर्स या मेरे साथी संगी जो भी हैं, ये उस जंग को हटाने में, उस गंदगी को हटाने में मेरी सहायता करेंगे, जिससे मैं पहचान पाऊंगा कि मैं अंदर से कितना सुंदर हूं। तो ये जो प्रोग्राम है ना, ये गंदगी हटाने वाला प्रोग्राम है। बात आती है फेथ की, जो मैं जो बात कर रहा था। अब मैं ए में आया, यहाँ पे कुछ लोग हैं, मीटिंग कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, है ना। अब मैं कैसे ये ट्रस्ट कर लूं? पहली बात तो मैं शराब भी क्यों पीता था, आप ये देखिए, मुझे शराब पे पूरा भरोसा था कि मेरे जीवन में जो दिमाग में मेरे परेशानी चल रही है, दिमाग में जो अड़चन चल रही है, शराब पीते ही ना वो अड़चन दूर हो जाएगी। भाई मोटे मोटे तौर पे यही था ना, मुझे इस टेंशन से छुट्टी मिल जाएगी, मेरा मूड बन जाएगा, कभी आनंद मिल जाएगा, मुझे मेरे दर्द से मुक्ति मिल जाएगी, इस बात का पूरा भरोसा था कि शराब पीते ही। मैंने ट्राई तो बहुत कुछ करा, जब टेंशन होती थी मैंने 50 चीजें ट्राई करी होंगी, किसी को गाली दी होगी, किसी काफी सारी चीजें ट्राई करी होंगी, उनमें से कोई काम नहीं करी। लेकिन जिस दिन मैंने शराब पी तो मुझे लगा कि मुझे मेरे जीवन का जो दर्द है उससे छुट्टी मिल गई। दोबारा पी, दोबारा छुट्टी मिल गई। और नशा शराब में नहीं होता, नशा मेरे फेथ में है, क्योंकि आज तक मैं यही देखता आया हूं कि शराब पी के आदमी झूमता है, शराब पी के आदमी मस्त हो जाता है, शराब पी के आदमी जो रोड पे भी गिर जाता है, लेकिन मजा इतना बड़ा है ना, मजा इतना बड़ा है कि वो रोड पे गिरना दिखाई नहीं देता, है ना। तो मुझे भरोसा हो जाता है शराब पे कि शराब पीऊंगा तो मुझे आनंद आ जाएगा, शराब पीऊंगा तो मेरी समस्याओं से, दुख से मैं निपट पाऊंगा, मेरा दुख कम हो जाएगा, बस मुझे भरोसा होता है। मैं और इंसान का जितना बड़ा भरोसा उतना बड़ा कदम। हर आदमी परेशानी में आके शराब नहीं पीता, लेकिन मैंने जब शराब पी तो मुझे दिखा, अरे मेरा विश्वास काम कर गया, क्योंकि विश्वास हमेशा काम करता है, चाहे वो शराब पे हो चाहे वो ए पे हो। तो बहुत से मेंबर आते हैं ए में, आते रहते हैं, फिर रिलैप्स कर जाते हैं, फिर रिलैप्स कर जाते हैं, क्योंकि उनका भरोसा नहीं है कि ये जो 12 स्टेप का प्रोग्राम है, ये जो मेंबर है, इससे गले मिलना, इसके साथ चाय पीना, उन्हें वही आनंद दे सकता है। और जिस दिन ए में मिलने वाला आनंद मेरे पिछले वाले जो शराब से मिलता था ना आनंद, उससे बड़ा हो जाता है, ऑटोमेटिकली मैं ए में आने के रास्ते ढूंढता रहता हूँ। कोई आदमी ये नहीं कहता मैं शराब पीने की कोशिश करता हूँ, कोई नहीं कहता, वो कोशिश हो जाती है। जैसे कोई आदमी नहीं कहता ना मैं सांस लेने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे सांस ली जाती है। कोई आदमी ये नहीं कहता मैं पलक झपकने की कोशिश कर रहा हूँ, ये चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। तो इसी प्रकार शराब पीने की कोई कोशिश नहीं करता, वो कोशिश हो जाती है अपने आप, वो ऑटोमेटिकली हो जाती है। इसी प्रकार कोई भी आदमी जो आज जैसे सत्यन भाई वगैरह जो हैं, रेगुलर मेंबर है, रेगुलर मीटिंग चला रहे हैं, तो ये लोग मीटिंग में आने की कोशिश नहीं करते हैं बिल्कुल भी, वो कोशिश ऑटोमेटिकली हो जाती है। इनको अभी बाजार भी जाना हो, सुबह कोई और काम भी हो, तो बस किसी तरीके से बाकी कामों को एडजस्ट करेंगे, लेकिन मीटिंग का टाइम निकाल लेंगे ऑटोमेटिकली। इनका प्लान जो बनेगा वो दिमाग में शुरू से ही ऐसा बनेगा कि मीटिंग के लिए टाइम बचा रहे, क्योंकि इन्हें आज भी मीटिंग पे भरोसा है कि यहाँ पे जो उनकी आत्मा को चैन मिलेगा, आत्मा को जो पानी मिलेगा, इंसान भाई अपने आप में तो पौधा ही है ना, तो उस पौधे को जो पानी मिलेगा अपने अंदर में, वो जरूर मिलेगा और अच्छा मिलेगा, इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो जीवन में भरोसा मैं हमेशा करता हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भरोसा ना करो, बिना भरोसे के तो जीवन चलना ही संभव नहीं है। अब मुझसे कोई ये कह दे कि मैं सांस ले रहा हूँ, आसानी से सांस ले रहा हूँ, अब मुझसे कोई ये कह दे इस रूम के अंदर एक जहरीली गैस मिली हुई है, जैसे सांस ले रहे हो ना आप लोग भी ले रहे हो, धड़ल्ले से सुबह से लिए जा रहे हो, जीवन में आज तक लिए जा रहे हो, है ना। अब कोई यहाँ पे एक डाउट डाल दे कि भाई ये जो कमरा है ना, इसमें जो हवा है, इसके अंदर एक जहरीली गैस मिली हुई है, पता नहीं चलता, स्मेल नहीं आती, पर आदमी को 15 दिन के अंदर मार देती है, या 5 दिन के अंदर मार देती है, या 2 दिन के अंदर मार देती है, आप भाई साहब इस कमरे के अंदर सांस भी नहीं लोगे, सबसे पहले नाक बंद करके इस कमरे से बाहर निकलोगे सबसे पहले, क्योंकि अब भरोसा नहीं रहा। सांस जब तक ले रहे थे जब भरोसा था, जैसे ही भरोसा खत्म हुआ, जैसे ये विश्वास खत्म हुआ कि ये जो ऑक्सीजन है ये क्लीन है, जैसे ये भरोसा खत्म हुआ, सांस लेने ही बंद कर दो। बहुत से लोग कहते हैं ना मैं स्पिरिचुअल आदमी नहीं हूं, मैं हार्ड वर्किंग आदमी नहीं हूं, अरे हार्ड वर्क पे ना भरोसा नहीं है,
मैं एक्शन ओरिएंटेड आदमी नहीं हूं। अरे एक्शन पे तेरा भरोसा नहीं है, तुझे एक्शन ज्यादा लेके एक्शन वाला आदमी बन जाएगा, वो भी एक तरीका है, क्योंकि जब भी कोई चीज ट्राई करते हो तो स्वभाव में आती है, वो भी तरीका है। लेकिन एक तरीका ये भी है कि अगर तेरा विश्वास बन गया तो ऑटोमेटिकली तू एक्शन लेने लगेगा। अब ये जो भरोसे वाली मैं बात कर रहा था, तो अगर कोई मुझसे ये कह दे ना कि इस कमरे के अंदर जहरीली गैस मिली हुई है, तो मेरे बस की ये भी संभव नहीं रहेगा कि मैं सांस भी ले पाऊं। तो अब बात आती है कि भरोसे का, मैं ए के प्रोग्राम में आ गया, अब ए के प्रोग्राम में यदि मुझे भरोसा हो गया कि ये मुझे जीवन में आनंद देगा, मेरे जीवन को आगे बढ़ाएगा, जैसा मैं जीवन जीना चाहता हूं, मेरे सपने पूरे करेगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। यदि ये भरोसा हो गया, आप मीटिंग में आने का रास्ता ढूंढने लगेंगे ऑटोमेटिकली, कोई कोशिश वोशिश नहीं करनी है। कोशिश वहां करनी होती है जहां पे आप समंदर के, मतलब नदी के खिलाफ बहना है, यहां तो फिर नदी के साथ बहना होता है। तो यदि भरोसा हो गया तो ऑटोमेटिकली, अगर आपको अभी कोई परेशानी आ जाए जीवन में, तो आप उस आदमी के पास ऑटोमेटिकली पहुंच जाएंगे जिस पे आपका भरोसा है। उस आदमी के पास जाने के लिए आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोशिश आपको करनी पड़ेगी उस व्यक्ति के पास जाने के लिए जिस पे आपका भरोसा नहीं है कि वो आपकी मदद कर पाएगा, ये वो आपकी मदद करेगा नहीं करेगा, या उसका मन होगा आपकी मदद करने का या नहीं करने का। जहां भरोसे में कमी है ना, कोशिश बस वहीं करनी पड़ती है, बाकी तो सब जीवन में ऑटोमेटिकली होता है। तो मेरा प्रोग्राम पे भरोसा है, आपका प्रोग्राम पे भरोसा है। बहुत से लोग कहते हैं भैया प्रेयर तो ऑटोमेटिकली हो जाती है, ऋषि सुबह उठते हैं सीधे ही घुटने पे पहुंच जाते हैं, भरोसा कायम हो गया है भाई, अब कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तो ए में जिस दिन भरोसा कायम हो जाता है ना, उसके बाद कोशिश करने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात तो ये कि अब जैसे मैं आपसे बता रहा था कि भाई अगर केवल ये भी बता दिया जाए कि इस रूम के अंदर जहरीली गैस है, तो सांस लेना भी संभव नहीं है, क्योंकि अब इस रूम की हवा पे मेरा भरोसा टूट गया। अब इसी प्रकार बहुत से लोग ए में आते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं, कुछ दिन तक आते हैं और उसके बाद अचानक गायब हो जाते हैं, और कुछ का तो आना जाना लगा ही रहता है, 10-10 साल तक भी लगा रहता है ना। उन लोगों की गलती नहीं है, बिल्कुल उन लोगों की गलती नहीं है, पर उन लोगों को अगर कुछ करना है तो अपने फेथ पे काम करना है। जिस दिन फेथ एस्टेब्लिश हो गया ना ए में, उस दिन ऑटोमेटिकली, मैं कुछ मेंबर्स को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, जब मैं नोएडा में था मीटिंग करता था, तो वैसे वो मीटिंग में इतना नहीं आते थे, पर जिस दिन भी वो होती थी ना बिजनेस मीटिंग, बर्निंग, कुछ मेंबर ऐसे थे कभी नहीं शेयर करते थे, पर बर्निंग डिजायर जरूर शेयर करते थे। और जनरली ये मेंबर जो बर्निंग डिजायर्स वगैरह शेयर कर, ये मेंबर जो बर्निंग डिजायर वगैरह शेयर करते थे, उनके पास वाकई कोई बर्निंग डिजायर होती थी। फलाने मेंबर ने ऐसा कर दिया, वो तो ट्रेडिशन नहीं है, फलाने मेंबर ने ऐसा कर दिया, अनोनिमिटी टूट गई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अब इनका जो भरोसा था वो ये था कि यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो अच्छे नहीं है, यहाँ के जो मेंबर्स हैं ग्रुप के वो प्रोग्राम फॉलो नहीं करते। इनका जो भरोसा था वो ऐसा था कि भाई इन यहाँ के जो मेंबर है, मतलब कुछ मिला के वैसी ही बात थी कि इस कमरे के अंदर जो वायु है ना वो दूषित है, तो उस कमरे के अंदर सांस नहीं ले पाते थे, सांस नहीं ले पाते थे और बैठ नहीं पाते थे। तो मेरे साथ जीवन में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे भरोसे के साथ खिलवाड़ हो गया, कभी मेरे कारण, वो तो मैं तो बाद में, पर जब छोटा था बचपन में, तो कहीं भी देख लीजिए आप, बहुत से आदमी होते हैं जॉब पे रेगुलर नहीं रह पाते हैं, जॉब छूटती रहती है, छूटती रहती है, छूटती रहती है, क्योंकि उनका ये भरोसा है कि जॉब करना आसान नहीं है। जो नौकरी करते हैं ना, तो जो मालिक होता है उसके खिलाफ शक है मन में, नौकरी पे शक है, जो मैनेजर वैनेजर होते हैं इनके प्रति शक है, क्योंकि जीवन में जो भी आता है ना किसी भरोसे के कारण ही आता है। तो जिन लोगों में ये भरोसा होता है कि भाई कंपनी ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, मैनेजर ठीक नहीं होते, ये लोग प्रताड़ित करते हैं, शोषण करते हैं, उनके लिए नौकरी करनी आसान नहीं होती। नौकरी पे प्रोग्रेस तो भूल जाइए, नौकरी रखना आसान नहीं होता। जिन लोगों ने अपने जीवन के अंदर देखा होता है कि माँ पिता में बहुत लड़ाई होती है, बहुत लड़ाई होती है, जनरली उनकी शादी होती है तो उनके भी जीवन में थोड़ी सी खटास रहती है। देखिए कोई भी आदमी ना जिंदगी में वही फिल्म चलाता है जो उसने बचपन में देखी है, हमेशा अपने जीवन में वही फिल्म चलाएगा जो उसने बचपन में देखी है, क्योंकि उसे पता नहीं कि अस्तित्व किसी दूसरे तरीके से हो सकता है। तो अब मैं ऐसे समाज से आता हूं जहां पे पल पल में शक है, कोरोना से लेके, नौकरी से लेके, इकोनॉमी से लेके, हर जगह संदेह संदेह संदेह, शक 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 भरा हुआ है, कहीं
ऐसे में मैं ये प्रोग्राम में आया, इन कमरों में। आप कहते हो वन डे एट अ टाइम और मिरेकल होगा। अब मैं इस बात पे कैसे भरोसा कर लूं? बात तो ये आती है ना कि मैं इस बात पे कैसे भरोसा कर लूं। तो जब मैं यहां पर प्रोग्राम में आता रहता हूं, तो मुझे जब दूसरे लोग चमत्कारों की बात करते हैं ना, तब मुझे दिखना चालू हो जाता है। अच्छा, जैसे एक प्रश्न ये भी है कि भाई भरोसा किया कैसे जाए। मान लीजिए आपका किसी चीज पर भरोसा नहीं है, तो भरोसा किया कैसे जाए? भरोसा कुछ नहीं होती, भरोसा एक बस कैलकुलेशन होती है, एक तरीके की कैलकुलेशन होती है। प्रौढ़ावस्था में, बचपन में तो ऐसे ही हो जाता है, जो सुना उस पर भरोसा, भूत पे और चुड़ैलों पे भी भरोसा हो जाता था, है ना। लेकिन अब जब हम प्रौढ़ हो जाते हैं, थोड़ा सोचने लग जाते हैं, तो फिर भरोसा कैसे आए? भरोसा बस एक कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ ए में आओ और ए पे भरोसा ही करना है ना। तो जिसके साथ बैठे हो, जैसे ए में एक लाइन कहते हैं स्टिक विद द विनर, यहाँ पे कहते हैं स्टिक विद द विनर। तो आप जो लगातार मीटिंग करते आ रहे हैं, वो शक्ल से दिख जाएंगे आपको, उनके बैठने से, चैन से बैठे होंगे, और शौक से मीटिंग आएंगे, शौक से मीटिंग आएंगे, मतलब ऐसे मानते हुए कि भैया प्रिविलेज है मेरा, और आते ही बोलेंगे ग्रेटफुल एल्कोहलिक, मुंह नहीं लटका होगा, बस ये देख लीजिए मीटिंग में आप आ रहे हैं ना, आवाज के अंदर ना एक ऊर्जा होगी, क्योंकि आजकल तो ऑनलाइन मीटिंग चल रही है, तो आप आवाज ही सुन पाते होंगे। पर आप रेगुलर मीटिंग में जाएंगे, तो जब वो कहेंगे ना मैं ग्रेटफुल एल्कोहलिक, वो सीधा आसमान की तरफ देखेगा एक बार ऑटोमेटिकली। जैसे तेंदुलकर या गांगुली या कोई भी सेंचुरी मारता था, सबसे पहले आसमान में देखता था ना, भैया तूने करा दिया ये काम। ऐसे ही वो ए में आएंगे, सबसे पहले एक बार उनका जो चेहरा है ना ऊपर की तरफ होगा कि ए ईश्वर तूने मुझे इतना अच्छा प्रोग्राम दे दिया। बस उनके साथ जाके बैठ जाओ, उनका शक्ल देख लो, उनके पास की चेयर देख लो, बस वहीं जाके बैठ जाओ और मीटिंग में नंबर ले लो उनका, उनसे बातचीत करने लगो। अब आप कहेंगे कि भैया किसी ऐसे आदमी जो रेगुलर मीटिंग में आ रहा है ना, तो उससे मुझे कैसे ट्रांसफर हो जाएगा भरोसा? जो मीटिंग में आ रहा है, मुझे कैसे ट्रांसफर हो जाएगा भरोसा? तो आप अपने जीवन की जब कहानी लिखेंगे, और आप चाहें तो अभी भी लिख के देख लेना, चार तीन चार चीजों पे, आपके मन में जो शक है ना, आपने वो भी पैदा नहीं करे कभी भी। आपके मन में शक किसी और कारण से आया है, या तो किसी अनुभव से ही आया है, लेकिन अनुभव से आए हुए जो शक होते हैं बहुत कम होते हैं, बाकी आपको समाज से आए हुए शक ज्यादा हैं। कोरोना से आपको क्यों खतरा लगता है? भाई टीवी पे बताया गया, डॉक्टरों ने बताया, लोगों ने मास्क देखा, पर कोरोना ने आपके पेट में चाकू कोई मारा था? कोरोना ने, आप तो कोरोना को देख भी नहीं सकते, और जिस चीज को देख नहीं सकते उससे खतरा क्यों? क्योंकि लोगों के पास आ रहा है ना। तो आप इस तरह देखेंगे कि आपके मन में जो शक है ना, जो आपके मन में भरोसे की कमी है, वो भी भैया आपको पास ऑन की हुई है ना। पास ऑन की हुई है मतलब किसी और व्यक्ति से आई है ना। अब किसी और व्यक्ति ने वो दिया जो उसके पास था, यानी शक दे दिया आपको। वो परिवार में हो सकता है, पड़ोस में हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है आपका। बस इसी प्रकार आपको क्या करना है, उस आदमी के पास जाके बैठ जाओ जिसमें भरोसा है, जिसमें अपने प्रति, जीवन के प्रति, प्रोग्राम के प्रति भरोसा है। जाके उसकी ना बस पूंछ पकड़ लो उसकी, है ना। अब वो ऑटोमेटिकली कुछ करे ना करे आपको भरोसा दे जाएगा, ऑटोमेटिकली। उसका कोई जोर ही नहीं है। अब जैसे गुलाब का फूल है, उसमें खुशबू आती है ना, खुशबू आती है, सुंदरता आती है। अब गुलाब का फूल अगर ये चाहे कि भैया मैं फलाने आदमी को सुंदरता नहीं दूंगा, अपनी खुशबू नहीं दूंगा, तो ये संभव है गुलाब के लिए? गुलाब के लिए? गुलाब के लिए ऐसा बिल्कुल संभव ही नहीं है, है ना। गुलाब के पास सुंदरता और खुशबू देने के सिवा कुछ नहीं है। तो ऐसी वो जो मेंबर होता है ना, जो सर उठा के बोलता है मैं ग्रेटफुल एल्कोहलिक, जो जिसके चेहरे पे खुशी होती है, वो दिख जाएगा आपको यार। आप उसको देखोगे ना, आपको दिख जाएगा, है ना। वो नंबर ऑफ इयर्स पे मत जाना, वो छोड़ो, आप सामने देखना, वो दिख जाएगा। आपकी आत्मा बोल देगी ये सही आदमी है, बस जाके चिपक जाओ। अब होता क्या है ऑटोमेटिकली, मुझे, मैं किसी और पे कमेंट नहीं करना चाहता यार, लेकिन मैं नए मेंबर्स हैं, बस इसलिए बोल रहा हूँ, यदि नए मेंबर ना होते तो शायद बोलता भी नहीं कभी। मेंबर में, जब नया नया मेंबर मीटिंग में आता है ना कमरे में, भाई कोरोना ये 2-3 महीने का, इससे ज्यादा का नहीं है, आप रेगुलर मीटिंग ही करोगे। आप ये सत्यन भाई से पूछ लेना, और भी यहाँ पे सिसिल भाई वगैरह बैठे हैं, आप पूछ लेना कि जब मेंबर आता है ना, वो 2-3 दिन के अंदर मीटिंग के अंदर ही एक चौकड़ी पकड़ लेता है, किसके साथ वो चाय पीता है, किसके साथ जाता है, किसके साथ बातचीत करता है। उसे पता होता है कि सोबर होना है तो किसका नंबर चाहिए, लेकिन फिर भी वो कुछ एक्स्ट्रा नंबर लेता है, कुछ अपनी पसंद के नंबर लेता है ना। तो बस यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ी सी पसंद बदल के वो पसंद कर देनी है, वो जो मेंबर होता है ना, जो ग्रेटफुल एल्कोहलिक, जो अकाउंट, मतलब ए में, जो जिसे मतलब, जैसे कहते हैं स्टिक विद द विनर,
उसका दामन पकड़ लेना है, वो कुछ दे ना दे आपको ए के प्रति भरोसा दे जाएगा। और जब आपका ए पे भरोसा हो जाएगा ना प्रोग्राम पे, तो प्रोग्राम काम करने लगेगा, है ना। तो ये जो जो प्रोग्राम है ना, ये बहुत ही साधारण है यदि आपका भरोसा है ना। और कोई चीज साधारण नहीं होती, कोई चीज डिफिकल्ट नहीं होती। डिफिकल्ट बस वही चीज है जिसमें मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं कर पाऊंगा। भाई नौकरी करना आसान है या बिजनेस करना आसान है, ये एक ऐसा प्रश्न है कि हर व्यक्ति के लिए बदल सकता है। अब जिसने जिंदगी भर नौकरी करी है उस पर अपने पर भरोसा है, वो कहता है यार नौकरी करना आसान है, बिजनेस में रिस्क होता है, भरोसे की कमी है। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो कहता है नौकरी करना बहुत मुश्किल है, बिजनेस करना आसान है, उसमें अपने प्रति बिजनेस करने के परिपेक्ष को लेके भरोसा है कि हाँ मैं बिजनेस कर सकता हूँ, इस एस्पेक्ट को लेकर भरोसा है। तो किसी के लिए जैसे सहवाग था ना, उसके लिए डिफेंड करना बड़ा मुश्किल था, वो बॉल को डिफेंड करने की कोशिश करता था बोल्ड ही हो जाता था, है ना। लेकिन उसे शॉट मारने पे बड़ा भरोसा था, जैसी बॉल आती थी वो चेस्ट पे रिब केज पे चलती हुई बॉलों पे भी एक स्क्वायर कट, मतलब उसको हिटिंग करने पे भरोसा था, हिट कर देता था। तो जीवन में मैं वही कर पाता हूँ जिस चीज पे मुझे भरोसा होता है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे प्रोग्राम करना है, अब वो वाला भरोसा चाहिए। मान लीजिए कि वो ऑटोमेटिकली किसी, कभी कभी तो चमत्कार हो जाते हैं, 1 मिनट में भरोसा हो जाता है, पर यदि ऐसा नहीं हुआ है तो बस उसके साथ चिपक जाओ जिसको उस प्रोग्राम पे भरोसा है, बस चिपक जाओ। दिमाग आपका कहेगा नहीं यार तू पीपल प्लीजिंग कर रहा है, नहीं यार तू किसी के पिछवाड़े पे लगा हुआ है, क्यों। दिमाग 10 तरह की बातें करेगा करेगा, है ना, क्योंकि अभी चाहत कुछ और है। लेकिन जब चाहत, भाई ऐसा है कि जब तो जब चाहत सोबर बनने की होगी, ए में अच्छा जीवन जीने की होगी, अच्छा पारिवारिक जीवन जीने की होगी, खुशहाल जीवन जीने की होगी ना, ऑटोमेटिकली आपको ले जाएगी। और फेथ ना हमेशा पास ऑन होता है, पास ऑन मतलब किसी और से आता है। तो ये फेथ की जीवन में कठिनाइयां हैं, जीवन दुख भरा होता है, ये भी कहीं से आया हुआ है, ये भी कहीं से आया हुआ है ये फेथ कि भैया भगवान के सारे सब कुछ धड़ल्ले से चलता है, सब कुछ बढ़िया चलता है। आप किसी भी कंपनी के अंदर घुसोगे ना, मतलब मैं हिंदू कंपनी, मतलब उसके ज्यादातर जिन कंपनियों के मालिक हिंदू हैं, आप कंपनी के अंदर घुसोगे ना, सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति दिखेगी। लाला कुछ और करे ना करे, सबसे पहले धूमबत्ती जलाएगा जो मतलब सेठ होता है ना, सबसे पहले भैया वो ईश्वर लक्ष्मी की पूजा करेगा, गणेश की पूजा करेगा सबसे पहले, है ना। अब बात यह है कि उसे भरोसा है, उस पर भरोसा है, बात सही गलत की नहीं हो रही है, बात ये हो रही है यदि फेथ है तो काम होगा, यदि फेथ है तो आप कदम उठाएंगे, यदि फेथ है तो रिजल्ट आएंगे। आप उस खेल को जीतेंगे कैसे जो खेले ही नहीं भाई। फेथ के खेल को या ए का जो भी है जीवन, उसे जियोगे तो जीत मिलेगी। और जो जीवन जी आधे मन से जिया, है ना, शक के साथ जिया, वो तो आपको कभी मिला ही नहीं था। तो बस ए में क्या करना है ना, फेथ हमेशा आपका साथ देगा। आज भी जो साथ दे रहा है ना, फेथ ही दे रहा है। आप अगर वाकई में इन्वेंट्री लिखेंगे तो देखेंगे जो भी आज भी जीवन में है ना, बस वो फेथ के कारण ही है, कुछ और नहीं है। ऐसा फेथ था। अब लोग कहते हैं भाई जीवन में मैं वो नहीं कर पाया जो मुझे करना चाहिए था, ये बात सही है, ऐसा हो सकता है, मना कौन कर रहा है। ऐसा हो सकता है कि जीवन में आप वो नहीं कर पाए जो आपको करना चाहिए था। पर आप आदमी देखिए, अंदर झांक के देखिए, अब जैसे मैं हूं, है ना, अब मैं, मेरा एक भरोसा है कि भैया मैं 2-4 मीटिंग कर लेता हूं तो मेरी जो रुकी हुई प्रॉब्लम्स है ना वो डील हो जाती है। मेरी वाइफ पिछले 10 दिन से थोड़ी बीमार है, तो अब थोड़ी सी बीमार है, अब मुझे मुझे पता है कि मैं 2-4 मीटिंग करूंगा, 2-4 गिनती की, ठीक है, एक कल रात को कर ली थी और एक अब 1-2 मीटिंग और करूंगा। और जैसे ही मैं मीटिंग करूंगा मामला साफ होता जाएगा। अब इसके पास, मेरे पास कारण क्या है भैया, कारण मेरे पास मेरे जीवन का अनुभव है, मेरे जीवन का अनुभव है। तो बहुत से लोग कहते हैं यदि मेरे पास अच्छा जीवन का अनुभव ना रहा हो तो क्या करें। अरे किसी के पास कोरोना होने का अनुभव नहीं था, लोग फिर भी डरे। किसी के पास आज से पहले, जो भी ये मार्च में स्टार्ट हुआ उससे पहले कोरोना होने का अनुभव नहीं था, लोग फिर भी डरे। कैसे डरे, सुन सुन के, न्यूज पे देख देख के, रिपोर्ट पढ़ पढ़ के। तो अब अगर आपके पास जीवन में सुखी संपन्न अच्छा जीवन जीने का अनुभव नहीं भी है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। सुनो, रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट देखो मतलब ए में जब आदमी मिठाई लेके आता है ना, मैं 5वां 7वां 10वां 12वां जन्मदिन मना रहा हूं, वो रिपोर्ट ही होती है एक तरह की। देखो उसको, अरे ये संभव है, अरे इसने परिवार अपना अच्छे से चला रहा है, ये संभव है, अरे ये तरक्की कर रहा है ए में, वैसे भी जीवन में भी इस, ये संभव है।
तो बस उन्हीं को देखो। तो जो अपनी जो पिक्चर चलानी है ना, जो चैनल चलाना है, वो वही चैनल चलाओ जो जीवन में चाहिए। लेकिन अगर चाहिए बर्बादी तो मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन इस प्रोग्राम में चमत्कार होते हैं, है ना। अगर प्रोग्राम में चमत्कार होते हैं तो बस उन्हीं के साथ बैठ जाओ, आपके साथ भी हो जाएंगे। अब चमत्कार क्या है, कोई ईंट पत्थर की चीज नहीं है कि भाई किसी ओल्ड टाइमर को अपना फ्रिज अपना बेड देना पड़ेगा आपको, वो बातों बातों में ही हो जाएगा आपके साथ। जहां आपका अंदर से कॉन्स्टिट्यूशन बदला, अंदर से आपका जो जो एक अंदर से जो तामझाम है वो बदला, आपके विचारों का चमत्कार वहीं पे हो जाएगा। अब मतलब चक्कर कुछ मिला के ये है कि आप हो सोना लगा हुआ है आपके ऊपर, मान लीजिए कोई मिट्टी लगी हुई है, लगा हुआ है गोबर, पता है नहीं कि मैं सोना हूं, और चिल्लाते चिल्लाते जीवन में फिर रहे हो कि भाई मैं गोबर हूं। मैं, मेरे साथ तो यही हुआ था एक्चुअली, मैं गोबर हूं, मैं गोबर हूं, गोबर हूं, आ गया किसी हीरे के संपर्क में, सोने के संपर्क में। अब सोने ने अपनी शेयरिंग करते हुए कहा, जैसे ये में शेयरिंग होती है ना, कह रहा भाई देख यार ऐसा है, मुझे भी लगता था कि मैं भी गोबर हूं, लेकिन जब मैं नहाया ना, जब मैंने स्टेप्स करे, तब मुझे पता चला कि मैं तो सोना हूं, और सोना तो सामने दिख ही रहा था मुझे। मैंने कहा यार मुझे भी नहाना है, जो आप स्टेप्स की बात कर रहे हो ना, तो वो नहाने की प्रक्रिया ही है। मैंने कहा मुझे भी नहाना है, उसने कहा नहा ले, और नहाने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगा, 8-10 साल का, पर जो भी है वो दिखने लगा फिर। तो ये जो प्रोग्राम है ना यार, ये तो आपको मतलब कहते हैं ना जीवन बदल देने का प्रोग्राम है ना। जिस दिन सोच बदली ना, उसी दिन जीवन बदल जाएगा। तो आपको भरोसा क्यों करना है, पहला प्रश्न ये भाई कि भाई भरोसा तो मैं करूंगा ही करूंगा, है ना। आप किस चीज पे भरोसा करना है ना। तो मैं मार्केट गया हूं, सड़े टमाटर खरीदने हैं या अच्छे टमाटर खरीदने हैं, प्राइस बराबर ही है। प्राइस इसलिए बराबर है कि किसी भी चीज को करने में आप अपना जीवन देंगे और अपनी इच्छा देंगे। प्राइस दो ही चीजें हैं, आप उनमें से कोई भी आदमी पैसे छापता नहीं है, मतलब मैं या आप या कोई भी आदमी पैसे छापता नहीं है। तो हम जो असली प्राइस देते हैं ना जिंदगी में, अपना जीवन देते हैं, समय देते हैं मतलब अपना, और अपनी इच्छा देते हैं, डिसीजन लेके दिखाते हैं कि भाई ये करना है। तो आपने यदि प्रोग्राम में आज मीटिंग में आए हो, तो आपने अपना जीवन का हिस्सा दिया है, 1.5 घंटे 2 घंटे जो भी है, और ये डिसीजन दिया कि नहीं आज आप सोबराइटी के साथ जिताओगे। अब बहुत से लोगों के साथ ये डिसीजन ऑटोमेटिक हो गए हैं, जो रेगुलर मीटिंग करते रहते हैं ना अपने ओल्ड टाइमर टाइप के लोग, ये ऑटोमेटिक हो गया, उन्हें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिकली उनके पूरे मेकअप में आ गया, उनकी बॉडी का कोना कोना, जैसे ही मीटिंग का टाइम होता है बोलने लगता है कि मीटिंग चल, खींचने लगते हैं। एक समय बाद वो सभी के साथ हो जाता है। तो समय देना है और अपनी इच्छा देनी है। तो जब प्राइस बराबर ही है, आप में से और मुझ में से, मतलब हम में से कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अपने जीवन को बचा ले और जीवन जी जाए। हर किसी को जीवन देना ही पड़ेगा, समय देना ही पड़ेगा, इच्छा को बचा ले और जीवन जी जाए, नहीं इच्छा तो करनी पड़ेगी चीजों की। अब किस चीज की इच्छा करनी है, तो प्राइस बराबर है, एक जीवन और एक इच्छा। और जब प्राइस बराबर है तो बढ़िया चीज लो यार, जब मार्केट गए ही हो, प्राइस बराबर है, गले टमाटर का, सड़े टमाटर का और अच्छे टमाटर का, तो अच्छे टमाटर ले लो। तो बस इसी तरीके से अब आप फेथ तो आप दोगे ही दोगे किसी ना किसी चीज में, बढ़िया चीज में दे दो यार, क्या जा रहा है। और जब बढ़िया चीज में दोगे, जब बढ़िया टमाटर लाओगे, तो स्वाद तो बढ़िया ही आएगा सब्जी का, है ना। काटने में भी आसानी रहेगी बढ़िया टमाटर को, गले टमाटर को तो काटने में प्रॉब्लम होगी। तो बस यही करना है जीवन में। अब यहां पर आ गए हो, आ ही गए हो, फेथ तो दोगे ही दोगे, फेथ दो अच्छी चीजों का अपना, है ना। तो अब मैं करूं क्यों भरोसा, बिना भरोसे के तो जीवन भी नहीं जी सकता भाई, जीवन अगले पल तक नहीं चलेगा, है ना। तो ये सांस लेना भी इस बात का भरोसा है कि जो ये एयर है इसमें जहरीली गैस नहीं मिली हुई है, ये मेरे फेफड़ों को जाके, खाना खाते हो उसमें जहर नहीं मिला हुआ है, ये भी तो भरोसा ही है। अब ऐसी एयर में आ गए हो तो एयर में जहर नहीं मिला हुआ है, ओल्ड टाइमर के पास बैठे हो, ओल्ड टाइमर में जहर नहीं मिला हुआ है, पत्नी के साथ जीवन बिताते हो तो पत्नी के अंदर जहर नहीं मिला हुआ। बहुत से लोग कहते हैं ना इसका एटीट्यूड बहुत खराब है, ये है वो है वो है वो है, नहीं, अगर आप ऐसे कहोगे कि पत्नी में जहर मिला हुआ है, तो फिर उस जो रिश्ता है ना, उसका आनंद नहीं ले पाओगे, उसे उसे मतलब अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पाओगे, फिर प्रेम का आनंद नहीं मिल पाएगा। तो अब ये बस इतना है कि भाई बिना भरोसे के तो गाड़ी चलनी नहीं, वो तो छोड़ दो, वो तो चॉइस ही नहीं है, तो भरोसा तो करना है। चॉइस केवल इतनी है किस चीज पे भरोसा करना है। अच्छा दूसरी बात क्या है, क्या मैं इस काबिल हूं कि भरोसा करूं, अरे मैं किसी और काबिल हूं ही नहीं। इंसान के अंदर कोई काबिलियत होना हो, इस बात की पक्की काबिलियत होती है कि वो भरोसा करे, बस चॉइस वाली बात है कि वो किस चीज पे भरोसा करे, उसके काबिल ही है। अच्छा तो दूसरी बात, एक एक बात ये भी आती है कि भैया मैं सही चीज पे भरोसा हो जाए मेरा, इसके लिए क्या करूं। सही चीज पे भरोसा करना है वो बात तो हो गई, अब सही चीज पे भरोसा हो जाए उसके लिए क्या करूं,
भैया उसके लिए पूंछ पकड़ लो, पूंछ होती है ना ये मेंबर्स की, इनके साथ साथ बैठना, इनके साथ साथ बातचीत करना, इनसे अपनी समस्या डिस्कस करना, बस ज्यादा भी नहीं, आप 2-3 महीने डिस्कस कर लो, जिस मेंबर के जैसा बनना चाहते हो 2-3 महीने कर लो, वो आपको भरोसा पैदा हो जाएगा, और जहां भरोसा पैदा हुआ ना वहां तो प्रोग्रेस नेचुरल है, फिर कुछ लेना देना नहीं है, कुछ रुकना वुकना नहीं है उस बारे में। तो दोस्तों मैं यहाँ पे अपनी शेयरिंग समाप्त करूंगा, आज थोड़ा फोन वोन की प्रॉब्लम रही, तो आप लोग के जो प्रश्न होंगे एक दो मैं उनको देने की चेष्टा करूंगा, 9:23 हो चुके हैं, तो 5-7 मिनट हैं, तो मैं प्रश्न देने की आंसर देने की चेष्टा करूंगा।